नमस्कार दोस्तों, टीचरसिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 13 नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट जहां अभी भी पीएचडी एडमिशन चल रहा है। आप चाहो तो यहां एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो नंबर 1 पे मेंशन किया गया है आइजर पुणे। आइजर आपको पता है, ये हमारे जो आईआईटी आईआईएम लेवल का ये इंस्टीट्यूट है। तो आइजर का बहुत सारे पूरा इंडिया में इनका स्टडी सेंटर है या कैंपसेस है। तो आइजर पुणे में अभी एडमिशन चल रहा है। इसका लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2021। तो यहाँ मैं जितने भी सारे जो इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एडमिशन रिलेटेड। तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है पीएचडी एडमिशन के जो प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप इसको सर्च करके आप देख सकते हो। पूरा डिटेल्स में मैंने सारे के सारे इंस्टीट्यूट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। देन नंबर 2 पे आप यहां देख सकते हो इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो बैंगलोर में लोकेटेड है। इनका जो सब्जेक्ट है सोशल इम्पैक्ट, जैसे कि सोसाइटी के ऊपर जो भी चेंजेस हो रहा है इसके ऊपर ये सब रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि आप सब्जेक्ट लेकर आप यदि रिसर्च करना चाहते हो, बेसिकली सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, देन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इस प्रकार का यदि आप सब्जेक्ट लेकर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ही ऑप्शन है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। 22 अक्टूबर 2021 इसका लास्ट डेट है। देन नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल, ये एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। इसका लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2021। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सिर्फ लॉ के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, इसके रिलेटेड जितने भी सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर भी आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। देन अगेन राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ में लोकेटेड है। यहाँ भी आप लॉ के साथ साथ बाकी जितने भी सारे अलाइड सब्जेक्ट है, जैसे कि सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार का भी सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। देन आईसीजीईबी जेएनयू, आईसीजीईबी फेमस, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइफ साइंस के ऊपर रिसर्च करता है। तो इनका टाई अप है जेएनयू के साथ, ये दिल्ली में लोकेटेड है। तो आप चाहो तो यदि आप मीन्स इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो बेसिकली लाइफ साइंस के ऊपर, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये जेएनयू से ही मिलेगा, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। देन नंबर 6 पर आप यहाँ देख सकते हो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये भी सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत फेमस है। इसका जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021, ये लोकेटेड है हैदराबाद में, आईआईएससी बैंगलोर। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ये। तो वहाँ आप साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट के ऊपर जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। इसका लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। अगेन नाइजर भुवनेश्वर एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ साइंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस प्रकार का सब्जेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एडमिशन के लिए पैसा नहीं लगता है, जो अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जो एडमिशन फी होता है ये आपको नहीं लगता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो। परंतु जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन अगेन ACSIR, पूरा हमारे इंडिया में जितने भी जो साइंस का रिसर्च होता है ये एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मोर देन 48 सेंटर्स है पूरा इंडिया में जहां साइंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो यहां भी आप देख सकते हो 1150 से भी ज़्यादा यहां सीट्स है। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 31 अक्टूबर 2021। तो जो भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में या साइंस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगेन आइजर भोपाल, इनका जो लास्ट डेट है 1 नवंबर 2021, आप इसको देख सकते हो। देन अगेन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आप सबको पता है TIFR कितना फेमस है इंडिया में। इनका टोटल 7 सेंटर्स है पूरा इंडिया में, और ये 7 सेंटर में, सारे के सारे सेंटर में अभी ये PhD का एप्लीकेशन निकला है। तो आप कहीं भी चाहो तो किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, सारे के सारे सब्जेक्ट के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो इसका जो लास्ट डेट है 7 नवंबर 2021। देन अगेन आइजर कोलकाता, इनका जो लास्ट डेट है यह है 15 नवंबर 2021, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो। अगेन ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर, यहाँ यदि आप हेल्थ साइंस के ऊपर या आप लाइफ साइंस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर आप यदि रिसर्च करना चाहते हो तो टाटा मेमोरियल सेंटर पूरा इंडिया में फेमस है, इंटरनेशनली भी ये बहुत फेमस है। टाटा मेमोरियल सेंटर, देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा के जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, TIS हो गया, ये पूरा इंटरनेशनली बहुत फेमस है।
तो टाटा मेमोरियल सेंटर में आप चाहो तो यहाँ आप हेल्थ साइंस देन लाइफ साइंस या मेडिसिन के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021। जितने भी सारे इंस्टीट्यूट मैंने अभी डिस्कस किया है सारे के सारे इंस्टीट्यूट का डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट जो PhD एडमिशन में जाकर देख सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।